बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही सिंपल और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी, जैसा कि बनाना बॉल्स है, वो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लें। ये मैंने बनाना लिए हैं, 2 पैकेट मैंने बिस्किट के लिए हैं। बिस्किट आप अपने फ्लेवर के पसंद के ले सकते हैं, बट मैंने विदाउट क्रीम होने चाहिए बिस्किट। और मैंने ये कोकोनट पाउडर लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल और क्विक तैयार होने वाली रेसिपी है, और इसमें सिर्फ जो है ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। मैं बिस्किट का तोड़ के ब्लेंड कर लूँगी, तो इसको हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें फैमिली में, फ्रेंड्स में। या आप लोगों की तरफ से मोहब्बत और हौसला अफजाई है, ताकि हम नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। बिस्किट को मैंने ब्लेंड कर लिया है और मैं इसको एक साफ बाउल में निकाल लूँगी। बनाना को मैश कर लूँगी। आप ये बच्चों को बना के दें, बच्चे जो कोक नहीं खाते या खाने में बच्चे तंग करते हैं, तो आप ये रेसिपी बच्चों को स्पेशली बच्चों के लिए भी है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देंगे तो बच्चे इन्जॉय करेंगे और लाइक करेंगे इसको खाना। बनाना मैंने मैश कर लिए हैं, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ गए हैं और आप इसको क्विक तैयार कर सकते हैं, गैस पे आके रखें, ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आप ये मेरी जो वीडियो को आप रेसिपी को आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये सारे बॉल्स मैंने बना के रख लिए हैं, अब मैं इसको कोकोनट लगाऊँगी। आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, और इसका मैं एक बाइट लेके बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और लास्ट में मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।